शांति स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निद्रा जीत पार्ट वन अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 1969। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसी रूह रूहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं वैसे ही बहुत घुए गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे, वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है, करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अव्यक्त वाणी 25 अक्टूबर 1969। विशेष स्नेह है तब तो ऐसे समय भी आए हैं, त्याग भी किया है ना, अपनी नींद का त्याग किया है तो यह भी स्नेह दिखाया। बाप दादा अभी स्नेह का रिटर्न देते हैं, अभी जाने के बाद रिजल्ट देखेंगे। अव्यक्त वाणी 18 जुलाई 1971। अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप, फिर कौन सा रूप होता है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप है सेवाधारी का। यह तीनों रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलते हो। रूप यह तीन होते हैं और रात को फिर कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है, तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जब अच्छी नींद में होते हो, स्वप्न की दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए, जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्च होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्च होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारे पन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा ख़त्म कर देना चाहिए, हिसाब चुकता कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी
अगर हिसाब किताब चुट्टू ना रखते तो खाता बढ़ जाता और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ, उसको चुट्टू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ना रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। रोज़ अपना हिसाब चुट्टू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुट्टू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुट्टू करा सकेंगे। इसलिए रोज़ रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। जमा ना हो एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन भी लकीर ना रहे, अर्थात कर्सा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुट्टू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। समझा? सारे दिन का चक्कर बनना। अव्यक्त वाणी 21 जून 72। जैसे साकार बाप को प्रत्यक्ष रूप में देखो तो रात का नींद का समय अथवा अपने शरीर के रेस्ट का समय भी ज़्यादा कहाँ देते थे। विश्व कल्याण के कर्तव्य में सर्व आत्माओं के कल्याण प्रति, ना कि अपने प्रति। वाणी द्वारा भी सदा विश्व कल्याण के संकल्प ही करते थे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो यह मन के विघ्नों से युद्ध करने में ही समय देना, यह तो अपने प्रति व्यर्थ समय देना हुआ ना। इनको आवश्यक नहीं व्यर्थ कहेंगे। बाप ने आवश्यक समय भी कल्याण प्रति दिया और बच्चे व्यर्थ समय अपने प्रति लगाते रहे तो फॉलो फादर हुआ। बाप समान बनना है ना, तो सदा यह चेक करो कि ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या, लेकिन सदा ही समय और संकल्प विश्व कल्याण प्रति लगाते हैं। ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाले क्या बनेंगे? विश्व महाराजन। अव्यक्त वाणी 19 सितंबर 72। आपके चढ़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं, उठाते भी हैं घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी हैं घंटी बजाकर। यह भी समय की सूचना घंटियां बजती हैं, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है, खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर
पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से रहता है, जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला ही सो जाएगा, तो यह भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो ढीले पुरुषार्थ के नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उनको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाए। जैसी जैसी नींद होती है वैसा किया जाता है। बहुत गहरी नींद होती है तो उनको हिलाना पड़ता है, लेकिन कोई की हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाता है। अभी हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई है, दूसरी चीज़ को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है। यह भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं उनको थोड़ा हिलाया, हलचल की तो सभी जाग गए, क्योंकि हल्की नींद है ना। जागे तो ज़रूर, लेकिन जागने के साथ रड़ी तो नहीं की। ऐसे होता है, कोई को अचानक जगाया जाता है तो वह घबरा जाता है, क्या हुआ। तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई कुछ घबराने बाद होश में आते हैं, लेकिन यह होना ना चाहिए। ज़रा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की ना आनी चाहिए, आवाज़ में भी चेंज ना हो। आवाज़ में भी अगर अंतर आ जाता है वह चेहरे में भी कुछ चेंज आ जाती है तो इसको भी पास कहेंगे। यह तो कुछ सदा श्रीमत रूपी हाथ और साथ का अनुभव करो तो विघ्नों से घबराएंगे नहीं। अव्यक्त वाणी 17 मई 73। अपनी उन्नति के लिए रात का समय तो सभी को है, जब विशेष सर्विस प्लान प्रैक्टिकल में लाते हो तो क्या उन दिनों में निद्राजीत नहीं बनते हो। अपनी उन्नति के प्रति अगर निद्रा का भी त्याग किया तो क्या समय नहीं मिल सकता है। यहाँ तो और कार्य ही क्या है, जैसे और प्लान्स बनाते हो वैसे अपनी उन्नति के प्रति भी कोई विशेष प्लान प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। अव्यक्त वाणी 8 जुलाई 73। अमृत वेले अर्थात आदिकाल, उस समय अपने को चेक करो कि हम आदिकाल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहाँ के घंटे वहाँ के जन्म, जितने यहाँ घंटे कम उतने वहाँ जन्म कम हो जाएंगे। कमजोरी इसी की है, बैठ तो जाते हैं सभी, उस समय की सीन देखो तो बड़ा मज़ा आएगा। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक ही हठ योगियों का म्यूजियम है, भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग दिखाए हुए हैं। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है, कोई हट से नींद को कंट्रोल करते तो कोई मजबूरी से टाइम पास करते और कोई उल्टे लटके हुए होते हैं। अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते हैं वह उनसे नहीं होता। जैसे उन हट योगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टे और कोई कैसे होते हैं,
यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकंड तो अच्छा व्यतीत करते हैं, फिर दूसरा सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते तो दूसरी टांग फिर गिर जाती। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, परंतु होता नहीं है। वह सीन भी देखने की होती है। कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हट करते हैं, कांटों पर सोते हैं, यहाँ शेष शैया पर होते। यहाँ के उस समय का पोज भी वंडरफुल होता। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हो। अगर अमृत वेले अपना प्लान नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिकल में क्या लाएंगे? अव्यक्त वाणी 24 जून 74। जो महारथी हैं अर्थात पार्श्विक ऑनर होने वाले हैं, तो उनकी नींद का टाइम भी योगयुक्त स्थिति में गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पार्ट समाप्त कर वह स्वयं परम धाम में है और उनको योग की ही महसूसता होगी। जैसे गायन सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि राजयोगी बनना है ना कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने। यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, लेकिन यह ब्रह्मा से ब्राह्मण अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पार्ट पूरा कर कर्मेंद्रियों से अलग होकर जाता हूँ अपने पार ब्रह्म में, और जब अमृत वेले उठेंगे तो महसूस करेंगे कि मैंने यह आधार लिया है पाठ बचाने के लिए। तो गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए हैं। यहाँ से तो जाकर वे सीधे देवता बनेंगे, लेकिन यह इस समय के ही अष्ट रत्नों का गायन है। जैसे साकार में बाप और माँ सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकेंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज़्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना। भले वे सोते भी थे, लेकिन ऐसा अनुभव करते थे कि नींद में नहीं है बल्कि हम तो जाग रहे हैं। और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती है तो उसे थकावट भी नहीं होती। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसा ही फॉलो करना है। अब ऐसा अनुभव तो करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है, नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। सारा दिन तो वे आपके समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी अष्ट रत्नों में आने वालों की। दूसरे हैं 100 वाले, और फिर तीसरे हैं 16108 में आने वाले। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी हैं, घोड़े सवार कोई नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर होते हैं। महारथी वह जिसका नींद का टाइम भी योगयुक्त स्थिति में हो। अव्यक्त वाणी 15 सितंबर 74। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिलता है,
लेकिन फिर तो यह रेस्ट लेना यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना ही शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो कि नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे, जैसे कि नींद से शरीर को खुराक मिल जाती है वैसे ही यह भी खुराक मिल जाएगी। शरीर तो पुराने ही रहेंगे, हिसाब किताब पुराना तो होगा ही, सिर्फ उसमें यह एडिशन होगी। लाइट स्वरूप के सिमिलिटी को मजबूत करने से हिसाब किताब चुट्टू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। जैसे इंजेक्शन लगाने से 5 मिनट में ही फर्क पड़ जाता है, वैसे ही नींद की गोली लेने से भी परेशानी समाप्त हो जाती है। आप भी ऐसे ही समझो कि यह हम नींद की खुराक लेते हैं, ऐसी स्टेज लाने के लिए ही यह अभ्यास है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 75। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं वह कम इमर्ज होते हैं। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता, अच्छा कर लेंगे देखा जाएगा। यह आराम पसंदी के संस्कार हैं, ज़रूर करूँगा ये ब्राह्मणपन के संस्कार हैं। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद है वे पास होंगे क्या? अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। अव्यक्त वाणी 10 सितंबर 75। साकार बाग की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योति बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथक बनने की। जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाप में अथक पन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योति बनते हैं। यह भी चेक करो कि चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती। इसलिए कल्प पहले की यादगार में भी निद्रा जीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है। अनेक प्रकार की निद्रा से निद्रा जीत बनो। यह भी लिस्ट निकालना कि किस किस प्रकार की निद्रा निद्रा जीत बनने नहीं देती। जैसे निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती हैं, उस नींद की निशानी है उबासी और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। इसी प्रकार निशानियां भी निकालना। इसकी 2 मुख्य बातें हैं, एक आलस्य, दूसरा अलबेलापन। पहले यह निशानियां आती हैं, फिर नींद का नशा चढ़ जाता है, इसलिए इस पर अच्छी तरह से चेकिंग करना, चेकिंग के साथ चेंज करना। सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेकिंग और चेंज दोनों ही करना। समझा? अच्छा। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 75।
माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे आधे कल्प के सोने के संस्कार वश हो कोई तो सेकंड का छुटका खाते हैं और फिर होश में आते हैं, फिर इंतजाम करने के जोश में आ जाते हैं और कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश और होश में आते हैं। तीसरी प्रकार के बच्चे काफ़ी आराम में सोते सोते बीच बीच में आँख खोल कर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा। यह दृश्य देख क्या हंसी नहीं आएगी। तीसरा नेत्र मिलते हुए भी माया को परख नहीं सकते, इसलिए माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण करो। अव्यक्त वाणी सेकेंड में 77। विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक सदा जागती ज्योति होकर रहेगा। जागती ज्योति माना केवल निद्रा जीत नहीं लेकिन सर्व विघ्न जीत, उसको कहते हैं जागती ज्योति। स्मृति रहना भी जागना है। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 78। जैसे कोई विशेष कमाई की सीजन होती है तो कमाई के बगैर रह नहीं सकते, नींद का भी समय त्याग देते, तो मधुबन में एक्स्ट्रा लॉटरी है कमाई करने की। तपस्वी कुमार होना, तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना। एक की याद में एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह तपस्या हुई ना। जो भी चांस मिलता है उसको अच्छी तरह लेकर संपन्न बनो और दूसरों को भी बनाओ। अव्यक्त वाणी 6 नवंबर 87। पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को शाबाश है जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी है। निद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त हैं उन सबको थैंक्स देना। अव्यक्त वाणी 24 जनवरी 78। आज बाप दादा यह रूह रुहान कर रहे थे, आगे के लिए भी जैसे निरंतर योगी का वरदान बाप द्वारा प्राप्त हुआ है वैसे ही निरंतर सेवाधारी। सोते हुए भी सेवा हो, सोते हुए भी कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। इसलिए कहा जाता है कि बड़ी मीठी नींद थी। नींद में भी अंतर होता है। हर संकल्प में हर कर्म में सदा सर्विस समाई हुई हो इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 79।
जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, वह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह निजी कार्य है ना? अगर एक दिन भी 2 से 4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा नींद कम की। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्वचिंतन और स्व की चेकिंग इसको आवश्यक कार्य ना समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले वह आवश्यक समझते हो यह नहीं। अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता तो अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज़ व कर्तव्य लगता हो उससे अपने को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज़ अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे निज को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम हैं, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहां तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। ओम शांति।